मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द संधि, संधयः, संधुलु, कॉम्बिनेशंस या जॉइन एंड डिसजॉइन, व्हाट एवर यू कॉल, एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन, राइट। Here, 8 words from the Sandhis portion will be given. 8 words will be given, and you have to attempt only 4 from these words. 4 you have to attempt, and each one gives you 2 marks. And total, 4 2s are 8 marks you will get. Likewise, here also, 8 words will be given, and you have to attempt 4, and each one gives you 2 marks. So 4 2s are 8 marks you will get. And this sandhi portion is a good scoring zone, right? Aapko examination mein 8 words diya jayega, aapko 4 attempt karna hai, एक आपको दो दो मार्क दे देंगे। सो इसमें 8, इसमें 8, टोटल 16 मार्क्स। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और वो भी एक ही टॉपिक में 8+8 16 मार्क्स आपका जो इस संधि पोर्शन से आता है, इस एरिया से। सो सबसे पहले यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन this topic, sandhi. Sandhulu very very important and very very easy. Thoda sa logic apna dimag mein rakhne se inko attempt karna bahut aasan hai. Already aapne 8th class se lekar 10th class tak aapne padhaye honge, aap same sandhulu hai isme bhi, aur already I explained sandhis separately in my previous sessions. So, I know I am going to explain how to present this one. Question paper में आपको 8 words ऐसे देंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही दे देंगे। आपको question paper में है मेरा कि इधर लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे मत समझना। यहाँ पे आपको question word ये दिया है question paper में, इनको answer sheet में लिखना ही है। इसको लिख के question word को आपको लिखना ही है। लिख के उसका क्या है, इसमें क्या लिखा है, चत्वारी मतलब 4 संधि नाम निर्देश सहिता, संधि नाम, ये जो संधि नाम निर्देश उसको मेंशन करते हुए विघटयता, उसको स्प्लिट करना है, ठीक है। इस वर्ड को संधि नाम देते हुए उसको स्प्लिट करके दिखाना है। अब जो स्प्लिट किया उसके लिए 1 मार्क, और आपने जो संधि का नाम दे दिया उसके लिए 1 मार्क, टोटल 2 मार्क्स, ठीक है। इसी जैसे संधत्ता, यहाँ पे आपने उसने उसको अलग करके देंगे, उसको भी लिखना है हम क्वेश्चन आंसर शीट में। ये है, आपको ऐसे मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर पर, उसको उधर ही नहीं छोड़ना, उनको जैसे दिया है वैसा आपको आंसर शीट में लिखना ही है। ये वर्ड को लिख के फिर उसको जैसे क्या बोला, संधि नाम निर्देश सहित संधत्ता, उसको संधि नाम देते हुए उस वर्ड को उसको जोड़ना है। सो ऐसे जोड़ दिया आपने पहले, इसके लिए 1 मार्क, और ये कौन सा संधि का है वो संधि का नाम भी दे दिया, निर्देश किया आपने, इसके लिए 1 मार्क, टोटल 2 मार्क्स। ये ध्यान रखना, इसको दिमाग में रखना। जैसा मैं ऐसे लिए कहूँ ऐसा आपको आंसर शीट में लिखना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रिलैक्स नहीं है। सो यहाँ पे कवि इंद्रहा लिखा है, सो कवि प्लस इंद्रहा, कवि इंद्रहा, कौन सा संधि है ये, सवर्ण दीर्घ संधि ही, ठीक है। आई ऊरु, दीज आर सवर्णास, ऑलरेडी वी लर्न्ड इन आवर प्रीवियस सेशंस। सो कवि प्लस इंद्रहा, कवि इंद्रहा, सवर्ण दीर्घ संधि।
नेक्स्ट साधुचुहु, साधु प्लस ऊचुहु साधुचुहु सवर्ण दीर्घ संधि है। आ ई और ऊ दीज आर सवर्णास, सो साधुचुहु ऊ आ गया सवर्ण दीर्घ संधि, कवींद्र ई आ गया सवर्ण दीर्घ संधि, ठीक है। उसके बाद ए वो अर अल, ये आने से गुणास, उसको गुणमलु बोलते हैं। सो राजर्षि इज इक्वल टू राजा प्लस ऋषि ही राजर्षि ही, अर आ गया, ए ओ अर अल, इनको गुणम बोलते हैं हम, गुण संधि के अंदर आता है वो। सो राजर्षि ही अर आ गया ना, सो गुण संधि। और वसंतर्तुहु इधर भी अर आ गया, वसंत प्लस ऋतुहु वसंतर्तुहु, अर साउंड आया उधर, इसलिए गुण संधि के अंदर आ गया। और आई आउ इनको हम वृद्धलु बोलते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। सो दिवाउ कसहा, औ आ गया इसलिए वृद्धि संधि है। इसको कैसे स्प्लिट करना है, दिवा प्लस ओ कसहा, दिवाउ कसहा। जैसे प्लस से पहले अगर आ होता है आ में कोई भी आने दे, प्लस के बाद अगर ये आई वो औ में जो भी आएगा, अगर ये आई आएगा तो आई बन जाएगा, वो औ आएगा तो औ बन जाएगा। जैसे दिवा में आ गया प्लस के सब पहले और वो आ गया, बस इस पर तब क्या बनता है, औ बन जाता है वो, इसलिए दिवा ओ कसहा इज कॉल्ड दिवा प्लस ओ कसहा, दिवा ओ कसहा वृद्धि संधि। एंड या वा रा दीज आर कॉल्ड यण्स, यण्नुलु यण्स इनको बोलते हैं। सो अनु प्लस ईक्षणम, अन्वीक्षणम दिया है इधर, इनको अनु प्लस ईक्षणम अन्वीक्षणम, यह यणादेश संधि, ठीक है। यहाँ पे अनु है ई है, ऊ है ई है, लेकिन ये दोनों मिलने के बाद क्या हो गया, ये उकार वा बन जाएगा और इनको फॉलो करेगा, वा प्लस ई वो प्लस ई वी, इसलिए अन्वीक्षणम, ठीक है। उसी जैसे कौन सा संधि है, ये यणादेश संधि, मतलब प्लस से पहले अगर ई ई होने से वो या बन जाता है, प्लस से पहले ऊ होने से वो वा बनता है। कब, जब उनका सिमिलर उनकी जैसे जो फिर सेम रिपीट नहीं होता है तो बाद में, अंटे प्लस के मुंदु ईलु उंडी दानि असवर्णमुलु, अंटे एक्सेप्ट ई ई आ ऊ रूलु जो भी आ जाए तब वो यण बन जाता है, या बन जाता है वो। उसी जैसे वो आ गया, वो उसके छोड़ के जो भी बाकी आ गया आ ई ए ओ कोई भी, तब वो वा बन जाता है। अगर सेम आ गया तो वो सवर्ण दीर्घ संधि बन जाता है, ठीक है। सो प्लस से पहले ई हो गया और उसके छोड़ के बाकी जो अगर प्लस के बाद आ गया तब वो या बन जाता है। अगर प्लस से पहले अगर वो हो गया आता है उससे, और प्लस के बाद अगर ऊ को छोड़ के बाकी जो भी आता है तब वो वा बन जाता है। अगर रू आता है प्लस से पहले और वो रा बन जाता है, लू आए तो ला बन जाता है। ये है यणादेश संधि। और गते प्लस गतेपि, गते प्लस अपि पूर्व रूप संधि। इसमें मैं पहले बोला था जैसे ये, इसको जो सो यस सिंबल है इधर, इसको संस्कृत में प्रश्लेषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्लेषा। अब ध्यान से सुनना और किताब पक्का साइड में रखना और नोटबुक में भी नोट करते रहना। सो इसमें क्या बोलता है, पूर्व रूप संधि, उसमें संधि का नाम में पूरा मीनिंग है, पूर्व रूप। जो प्लस से पहले जो होता है उसको पूर्व पदम बोलते हैं और प्लस के बाद जो होता है उसको उत्तर पद लेदा पर पदम बोलते हैं, ठीक है। जो पूर्व रूप, वो जो पूर्व जो है वो वैसा रहेगा, लेकिन जो प्लस के बाद वाला जो है उसमें चेंज आता है। सो इसमें क्या है, गते प्लस अपि, गते गते ही रह गया, लेकिन अपि यस सी इज इक्वल टू प्लस प्लस आ इज इक्वल टू यस, वो दिमाग में बिठाना। प्लस ये प्लस और आ गए इधर, ये मतलब गते को गते लिख दिया, यस मतलब क्या है प्लस आ लिख दिया, और ये जो पी पी लिख दिया, बस गते पी, इतना समझ लीजिए बस। वो क्या हो गया, पूर्व रूप संधि। और गाय कहा, गई प्लस कहा गाय कहा, अयवायव संधि।
सो अयवाय संधि हमने क्या बोला, क्या सीखा, ये भी सीख लिया हमने प्रीवियस सेशंस में, प्लस से पहले अगर ये आ गया, प्लस के बाद कोई भी आने दे कोई बात नहीं, प्लस से पहले अगर ये आ गया वो आई बन जाएगा, अगर प्लस से पहले आई आ गया वो आई बन जाएगा, ठीक है, और प्लस से पहले अगर वो आ गया वो अव बन जाएगा, अगर प्लस से पहले अव आ गया तो वो आव बन जाएगा। सो इसमें प्लस से पहले आई आ गया गाय का मेट, प्लस से पहले इसको छोड़ स्प्लिट करने से क्या बन जाता है, गई प्लस आ कहा, गई में जो आई कर है वो आई हो गया, इसलिए गाय प्लस आ कहा गाय कहा, ठीक है, ये है अयवायव संधि। और इसमें आपको पूरे को पूरे लिखना है एग्जाम में, जैसे चार ही लिखने के लिए बोला हम सिर्फ चार ही लिखेंगे उसमें गड़बड़ हो जाएगा, अगर चार में ऐसे अगर कोई भी अगर आप जो सच आप अपने आप को जो समझता है कि मैं ये सही लिखा वो हो सकता है वो गलत हो सकता है, जो आपने वो सोचा कि ये तो गलत होगा करके आप जो लिख दिया वो सही हो सकता है, इसे आपको अपना आपको आप जजमेंट नहीं देना उधर, जितना आपने चार लिखने के लिए बोला लेकिन आप चार लिख के छोड़ना नहीं, पूरे आठ को लिखना है आपको, क्योंकि मैं पहले बोल दिया ना जो आप जो सही समझते हैं वो गलत हो सकता है, जो आप गलत समझते हैं वो उधर सही हो सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको मार्क मिल जाएगा, कहीं भी आठ मार्क्स से कटेगा नहीं, अगर आप आठ लिख दिया तो, अगर चार लिख दिया तो कटने का उधर खतरा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जो एट वर्ड्स को एट वर्ड्स प्रैक्टिस करना लिखना, ठीक है। और उसी जैसे संधत्ता, यहाँ पे बीच में प्लस दे के दिया उसने, सो महा प्लस ऐक्यता महैक्यता, प्लस से पहले आ प्लस के बाद आई तो क्या बन जाता है, वृद्धि बन जाता है, आई बन जाता है, सो महैक्यता वृद्धि संधि। और शशि प्लस इवा, शशि वा ई आई ऊरु सवर्ण दीर्घ संधि, बस सवर्ण दीर्घ संधि लिख दिया आपने। प्रति प्लस आगमनम, प्लस से पहले ई आ गया प्लस के बाद आ गया, सो इसके छोड़ के जो भी आता है तब ये इकार यकार बन जाता है, या बन जाता है, या बन गए जो आ के साथ चले जाते, सो आ या बन गया। प्रत्यागतम यणादेश संधि। और गुरो प्लस ये गुरवे, प्लस से पहले ओ आ गया तो उसमें क्या बोलता है वो अव बन जाता है, ठीक है, प्लस से पहले वो आ गया ना वो अव बन जाता है, अगर अव आ गया तो आव बन जाता है, सो गुरु प्लस ये गुरवे, इसको मैंने पूरा आपको समझाया इससे पहले सेशन में, एक बार वो देख लेना आपको इस संधि का अलग से मैं एक सेशन में आपको दिया था एक्सप्लेनेशन, उनके एक बार देख लीजिए। सो गुरु प्लस ये गुरवे अयवायव संधि। और नवा प्लस औषधम, आ प्लस औ नव औषधम, यह है आई औ वृद्धि संधि, सो वृद्धि बन गया। उसके बाद गाव प्लस ये थे, प्लस से पहले औ आ गया तो आव, सो क्या हो गया गावाव ये थे, बस ये थे रहेगा, ये गावाव बन गया, बस गावा ये थे अयवायव संधि। और मातृ प्लस आज्ञा, ये भी अनादेश संधि, प्लस से पहले रुकार आ गया और इधर आ गया, रुक बिकम्स आ रा मात्राज्ञा। और भानो प्लस अत्रा, जो इसमें क्या हो गया जे ओ भानो भानो रह गए पूर्व पूर्व रूप संधि में, प्लस और आ प्रश्लेषा बन गया, सो इसको भानोत्रा पूर्व रूप संधि करके लिखना है आपको। आठ अंकों आठ लिखने से अगर कहीं ना कहीं आप जो सही समझते हैं वो अगर वो गलत होने पर भी दूसरी जगह आपको जो मार्क मिल जाएगा, ठीक है, सो आप आठ अंकों आठ आपको प्रैक्टिस करना है, ये है। ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल बता दिया क्वेश्चन पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, जो वर्ड्स देता है क्वेश्चन पेपर में उस वर्ड को लिखना जरूरी है, और उसके बाद उसको या तोड़ना पोड़ना क्या है मिलाना वो जो लिखना है, उसके बाद संधि नाम लिखना है, तब आपको मार्क मिल जाएंगे। ये नहीं ये क्वेश्चन वर्ड के बिना मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई ना कोई मार्क दे देता है कोई नहीं देता है, सो आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस में क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ संधि में आपको क्वेश्चंस लिखना है,
और उसके बाद जैसे ट्रांसलेशन हमने ऑलरेडी कुछ 1 से लेकर 15 तक हमने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैं वर्बली बताया, उनमें भी क्या है क्वेश्चन वर्ड लिखना है, जैसे इंग्लिश में दिया जाता है वो वर्ड लिख के उनको फिर संस्कृत में हमको लिखना है। सिर्फ यही 2 जगह आपको क्वेश्चन वर्ड्स लिखना है, क्वेश्चन सेंटेंस लिखना है, बाकी कहीं भी आपको क्वेश्चंस लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यह है हमारा संधि पोर्शन। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी पोर्शन से, इसी टॉपिक से, संधुलु से हमको मिलता है। सो इसलिए इस पर हम ज़्यादा जोर, ध्यान, श्रद्धा दिखाना है इस पर। ठीक है, और अभी हम रह गया अभी हम रह गया शब्दास एंड धातुलु कंजुगेशंस डिक्लेशंस डिक्लेशंस एंड कंजुगेशंस। डिक्लेशंस में आपको 3 दिया जाएगा। डिक्लेशंस मीन्स शब्दास, जैसे रामा, उसी जैसे वधु या किम, ऐसे 3 दे दिया अगर समझ लीजिए। तो आपको मैंने जो फर्स्ट सेशन में जो शब्द का मैंने इधर फॉर्मेट लिखा है पूरा कैसे लिखना है, वैसा पूरा आपको लिखना है। जैसे और एक बार लिख रहा हूँ मैं आपके आइडिया के लिए, जैसे रामा शब्द दे दिया आपको, 3 शब्द दे दिया रामा, उसके बाद वधु, उसके बाद किम, ये पुंगलिंग दे दिया। अभी इनके आप अभी हमने इसका डिस्कशन नहीं हुआ, इसको बाद में सीखेंगे। जो आप जैसे राम शब्द के साथ ये भी लिखना है, तो ये कैसे लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले सेशन में आपको मैं एक्सप्लेन किया था कि एक शब्द का रूप कैसे होता है। तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना है, तीनों में से 2 लिखना है और ईच वन गिव्स अस 4 मार्क्स और 2 लिखना है, वी हैव टू राइट, सो 2 4s are 8 marks फ्रॉम शब्दास। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप ध्यान देना इसमें लिखने का कैसे है। पूरा एक पेज में जैसे हमको क्वेश्चन बुकलेट आंसर बुकलेट देते हैं तो उसमें 24 पेजेस होता है। सो 24 पेजेस में 24 लाइंस भी होता है, तो एक पेज में आप 2 शब्द आराम से लिख सकते हो। ठीक है, या एक पेज में भी लिख सकते हो क्योंकि 24 पेज भरना इतना आसान नहीं है। सो आप बिल्कुल विस्तार से लिखना है, बाद में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी कैसा है वो समझाएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले जो शब्द कैसे लिखना है, जैसे हमने इसलिए भी पहले भी बोल दिया उसी जैसे लिखना है, फिर भी आपको मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। मैं जैसे राम शब्द लिखना है, सबसे पहले लिखना है अकारांत, जैसे मैं हमने लिख दिया ऐसे अकारांत पुंलिंग अजंत शब्द राम लेदा अजंत राम शब्द, वो फर्स्ट लाइन में आ गया। उसके बाद फिर सेकंड लाइन में विभक्ति ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम वो भी लिखना है। उसके बाद प्रथमा विभक्ति ही उसमें राम रामौ रामा। ठीक है, फिर द्वितीय विभक्ति रामम रामौ रामान। फिर तृतीय विभक्ति रामेण रामाभ्याम रामैः। फिर चतुर्थी
रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। फिर पंचमी रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति रामस्य रामयोः रामाणाम, ऐसे लिखना है। इधर मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ आपको इससे पहले, वो एक बार वो खोल के देख लीजिए आप, उनको वो सेशन को ओपन करके देख लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करना है, एक नोटबुक कंपल्सर रखना है, नोटबुक में आपको प्रैक्टिस करते रहना। सो षष्ठी तक आ गया, षष्ठी विभक्ति में क्या आता है, रामस्य रामयोः रामाणाम। और सप्तमी विभक्ति रामे रामयोः रामेषु। आखिर में संबोधन विभक्ति लिखना है, प्रथमा विभक्ति हे रामा हे रामो हे रामाः। ये जो संबोधना प्रथमा विभक्ति है, इसको आप या प्रथमा विभक्ति के बाद भी लिख सकते हो, जैसे प्रथमा विभक्ति ही रामः रामो रामाः, इसके बाद संबोधना प्रथमा विभक्ति ही हे रामा हे रामो हे रामाः। अगर उधर लिखने से अच्छा है, सबसे पहले सबसे आखिर में नीचे लिख सकते हो आप, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी होने के बाद सबसे आखिर में लिखने से आपको कन्फ्यूजन कम होगा। आपको सबसे आखिर लिखने के लिए आदत डाल दीजिए। नहीं सर वो किताब में ऐसा है, मेटेरियल में ऐसा है, कोई बात नहीं, हम कहीं भी हो देख लेते हैं उसको मार्क्स, क्योंकि हम भी पेपर करेक्शन करते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक सेकंड प्लेस में लिखना, कोई ज़रूरी नहीं उसका, उसको आखिर में भी लिख सकते हैं, फॉर दैट यू विल गेट मार्क्स श्योरली। वो बीच में लिखने फिर आप कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए या फर्स्ट के बाद दूसरी में लिख दीजिए, दूसरी जगह सेकंड में, या नहीं तो आखिर में लिख दीजिए। ये नहीं बीच में कहीं तृतीय के बाद लिखूंगा, चतुर्थी के बाद, पंचमी के बाद, वो नहीं चलेगा। या सेकंड प्लेस में होना चाहिए, प्रथमा के बाद होना चाहिए, नहीं तो सप्तमी के बाद होना चाहिए। बीच में कहीं भी संबोधना प्रथमा विभक्ति नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। मध्यलो ఎక్కడ కూడా మీరు సంబోధన ప్రథమ విభక్తి రాయడానికి వీలు లేదు। అయితేనా ప్రథమ విభక్తి తర్వాత సంబోధన ప్రథమ విభక్తి రాసి ద్వితీయ విభక్తి రాయాలి, లేదా ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ ఇప్పుడే చెప్పాను, లాస్ట్ సప్తమి తర్వాత రాయాలి। ఇట్లా రాసినందుకు మీకు 4 మార్క్స్, ఎక్కడైనా తప్పు లేకపోతే 4 మార్క్స్ వస్తుంది। అట్లాగే స్త్రీలింగ శబ్దం సేమ్ ఇదే ఫార్మాట్లో రాయండి। ఇప్పుడు కిమ్ అని చెప్పాను, కొన్ని ప్రొనౌన్స్ ఉంటాయి, ప్రొనౌన్స్కి ఏంటంటే సంబోధన ప్రథమ విభక్తి ఉండదు, ఎస్ఏ సహ కహ అస్మద్ యుష్మద్ ఇవన్నీ ప్రొనౌన్స్, వీటికి సంబోధన ప్రథమ విభక్తి అనేది ఉండదు, ఓన్లీ నౌన్స్కే ఉంటుంది, ప్రొనౌన్స్కి ఉండదు। ఈ విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్। ఆ తర్వాత ఇక మనం కంజుగేషన్స్ అంటే ధాతువుల్లోకి వెళ్తాం, ధాతువుల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అభవత్ ఇచ్చాడు, అభవత్ భవేత్ ఏదో సంథింగ్, గచ్చే గచ్చేత్ ఏదో ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసే అభవత్ गच्छेत लभते ऐसे दे दिया, क्वेश्चन पेपर इच्छाड़े इंकोट अटे मूडे इतना मध्य। सो फोर्थ वन मैं रादा, इला इच्छा फोर्थ वन मेरेम चेयरेंटे फॉर एग्जांपल अभवत् गच्छेत రాద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి, లేదు ఏదైనా ఎనీ టూ మీరు రాయగలుగుతారు, అందులో సీదా ఏంటంటే ఒక మంచి బ్రహ్మాండంగా ఇట్లా టేబుల్ వేయాలి, ఠీకే మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్లో చెప్పాను ధాతువులు ఎలా రాయాలి, ఓ తీత అంతే సీతహత అది ఎప్పుడు కూడా మీరు దయచేసి సబ్జెక్ట్కి అది ఏ సబ్జెక్ట్ కానీ సాంస్క్రిట్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ దాని నుండి దూరం కాకండి, రోజు ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ చదువుతూనే ఉండండి మీరు। సో సాంస్క్రిట్ కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పటది రాయాలి,
అనుకోండి, అనుకున్నాం పటతి రాద్దాం అనుకున్నాం, వెంటనే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ పురుష ఇక్కడ రాసినాం ఏకవచనం, ద్వివచనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పి ఉన్నాను మీకు, అండ్ బహు వచనం, ఇట్లా ఒక టేబుల్ వేయండి. రైట్, ఇక్కడ ప్రథమ పురుష మీన్స్ థర్డ్ పర్సన్, అట్లాగే మధ్యమ పురుష ఇలా రాయండి. నేను ఇక్కడ డ్రూస్ పెడుతున్నా, మీరు పూరలిగిన మీరు ఇక్కడ మీరు ఈ డిజైన్ లేకూడదు. అండ్ ఉత్తమ పురుష, ఠీకే రాసేసి పఠతి అనుకున్నాం కదా మనం, ఎగ్దం తీత అంతే సీత మైండ్లో పెట్టుకోండి. బస్ సీదా పఠతి, పఠత, పఠంతి. రైట్, పఠసి, పఠత, పఠత, పఠామి, పఠావః, పఠామా. బస్ ఇది రాసి వదిలిపెట్టండి అంతేగా. సో ఈ మాత్ర రాసినానికి విల్ గెట్ 3 marks. రైట్, ఇక్కడ మరి పఠతి ఏం రాశారు, లట్టన్ రాయండి. బస్ రాసి ఈ టేబుల్ వేసి ఇది రాస్తే ఇంతవరకు ఇంతకు మించి మీరు రాయడానికి వీల్లేదు. ఈ పఠతి అనే ధాతువుకి ఇంతకు మించి ఎక్స్ట్రా ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ మాత్రం దానికి మీకు 3 marks వస్తాయి. అర్థమైందా? ఆ విధంగా 2 రాసేయండి. అలాగే లాస్ట్కి మనకు మిగిలింది ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్స్. ఆ ట్రాన్స్లేషన్స్ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఇస్తాడు మంచిగా, వాటికి మంచి చక్కగా తెలుగు సాంస్క్రిట్లో రాయండి. అవి కూడా చిన్న చిన్న పదాలు, ఆ చిన్న పదాలను బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ మంచిగా మ్యాక్సిమం అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు మంచిగా చక్కగా ఆన్సర్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎక్కడ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ వచ్చినా మీరు మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి క్లియర్ చేసుకోగలరు. రైట్, థ్యాంక్ యూ, శుభం భూయాత్.